पूजा, दीपावली जैसे त्योहार दस्तक देने वाले हैं। इन त्योहारों पर प्रदेश में रहने वाले लोगों का बिहार लौटने का सिलसिला तेज हो जाता है। लोग घर पर पर्व मनाने के लिए महीनों पहले से ही टिकट की बुकिंग कराने लगते हैं, लेकिन त्योहार के सीजन में टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। इसी को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने इस साल त्योहार पर कई स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों का परिचालन नई दिल्ली, पुणे, ग्वालियर जैसे बड़े बड़े नगरों से किया जाएगा। गाड़ी संख्या 02391 पटना आनंद विहार सुपर फास्ट एक्सप्रेस स्पेशल अब 5 अक्टूबर 2024 से 9 नवंबर 2024 तक प्रत्येक शनिवार को पटना से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 02392 आनंद विहार पटना सुपर फास्ट एक्सप्रेस स्पेशल 6 अक्टूबर 2024 से 10 नवंबर 2024 तक प्रत्येक रविवार को आनंद विहार स्टेशन से पटना के लिए रवाना होगी। गाड़ी संख्या 02391 पटना आनंद विहार सुपर फास्ट एक्सप्रेस स्पेशल पटना से रात 10:20 पर प्रस्थान करके विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन दोपहर 3 बजे आनंद विहार पहुंचती है। गाड़ी संख्या 02392 आनंद विहार पटना सुपर फास्ट एक्सप्रेस स्पेशल आनंद विहार से रात 11:20 पर खुलती है, जो विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन शाम 5:20 पर पटना पहुंचती है। गाड़ी संख्या 03255 पटना आनंद विहार स्पेशल 3 अक्टूबर से 14 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार और रविवार को पटना से रवाना होगी। वहीं 03256 आनंद विहार पटना स्पेशल 4 अक्टूबर से 15 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को आनंद विहार से पटना के लिए चलेगी। गाड़ी संख्या 03215 पटना थावे स्पेशल 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक प्रतिदिन पटना से चलेगी। गाड़ी संख्या 03216 रोजाना थावे से पटना के लिए चलाई जाएगी। इसके साथ ही कुछ ट्रेनों के परिचालन में विस्तार किया गया है। ग्वालियर बरौनी ग्वालियर समर स्पेशल को सप्ताह में 2 दिन अतिरिक्त फेरे के साथ परिचालन करने का फैसला किया गया है। गाड़ी संख्या 04137 ग्वालियर से 1 सितंबर से 29 दिसंबर तक प्रत्येक रविवार और बुधवार को चलेगी। वहीं गाड़ी संख्या 04138 बरौनी से 2 सितंबर से 30 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को चलाई जाएगी। रेलवे के इस फैसले से प्रवासी मजदूरों को सबसे बड़ा फायदा होगा, जो सालों भर तो परदेश में कमाने जाते हैं लेकिन दीपावली और छठ जैसे त्योहारों पर घर आना चाहते हैं, लेकिन महंगे टिकट के कारण वो चाह कर भी घर नहीं आ पाते हैं। ऐसे में पूजा स्पेशल ट्रेन चलने से इन्हें बड़ी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार।